ये है गाइस यामा एरोक्स 155 इंडिया मोस्ट पावरफुल स्कूटर। स्कूटर की बात कर लेते हैं तो भाई आ जाती है बात इसके माइलेज को लेकर। लास्ट कमेंट्स जो आए थे इसके माइलेज को लेकर आए थे कि भाई इसका माइलेज कितना है। अब ये स्कूटर है, एक्टिवा की तरह अपना माइलेज तो देगा नहीं, जुपिटर की तरह अपना माइलेज तो देगा नहीं, एक परफॉर्मेंस स्कूटर है तो इससे क्या ही मूव करेंगे आप। तो आज दूध का दूध और पेट्रोल का पेट्रोल कर दूंगा मैं। वापस से एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए। तो हे गाइस दिस इज इंडियन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग, आए सब बढ़िया होंगे। अपने पीछे खड़ी अपनी ब्यूटीफुल यामा RX 155 माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो आपने कमेंट्स करे थे माइलेज माइलेज माइलेज, तो आ गए माइलेज निकालने, एकदम जेन्युइन और हॉनेस्ट माइलेज निकल के आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। वीडियो को एंड तक देखना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो। बैक टू बैक आपको वीडियो मिल रही है यामा RX के लेकर, और जैसी भी आपको वीडियो चाहिए आप बस कमेंट करो और अगले बार अगले हफ्ते वीडियो रेडी है। तो सब्सक्राइब ठोक लो, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं आज इसका दूध का दूध और पेट्रोल का पेट्रोल। ठीक है ना, और सिटी राइड, हैवी राइड, हाईवे राइड, सब कुछ, मतलब हर चीज इसमें इंक्लूड होने वाली है। हर तरीके से चलाने वाला हूँ, एकदम थोड़ा सा पेट्रोल है बस उसको खत्म करेंगे और वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो अब मिलता हूँ आपको सीधा से यामा RX पे अपने मोटो व्लॉगिंग वाले सेटअप के साथ। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज के माइलेज टेस्ट को और स्टार्ट करते हैं अपनी यामा RX 155 को। तो अभी इसमें देखो थोड़ा है पेट्रोल, तो इसको ख़त्म करते हैं, जहाँ पर ये रुक जाएगी वहाँ अपना पेट्रोल डालेंगे जो मैं लेकर आया हूँ 1 लीटर। और गाइस जो मैं माइलेज बस निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ मैं 10,000 किलोमीटर से चलाने के बाद, अपनी चारों सर्विस कंप्लीट करने के बाद, तो एकदम जो हाईएस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा। जो आप RX लेने से पहले 10 बार सोचते हो, दिमाग में डालते हो बात कितना माइलेज आएगा, तो एकदम तो फिलहाल मैं हूँ होटल सम्राट न्यू दिल्ली के पास और अभी पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, इसका एक पॉइंट और रह गया है। फटाफट से एक जैसे ही खत्म होगा फिर फिलअप करते अपना 1 लीटर पेट्रोल। तो भाई अब अपने मीटर देखो ब्लिंक करने लगा, लास्ट वाला पॉइंट भी। गाइस लुक एट दैट माइलेज के साथ, आप ये वाला व्यू भी ले लो, यहाँ रोड है। तो गाइस इसको चलाते चलाते पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, ये घाटा गांव करके है गुड़गांव में कहीं, और अब ये सांसें लेनी शुरू कर दी इसने, मतलब रेस देने पे रुक रही है, रेस छोड़ रही है, इट मीन्स अब ये बंद ही होने वाली है ऑलमोस्ट। तो इसको भी बिल्कुल बंद करते हैं आज, बिल्कुल ही सुखाता हूँ इसका, कितना चलेगी अब नहीं चल रही गाइस, अब नहीं चल रही। अब मैं देखो रेस दे रहा हूँ फिर भी, हो गई बंद हो गई। तो अब आ गया है इसका फिलिंग का टाइम, इसको फिल करते हैं यहीं पर, स्कूटी हो गई बंद और हमने कर दिया इसको रिफिल, 1 लीटर पेट्रोल बिल्कुल खाली अपने टैंक के अंदर आ गया। अब यहाँ से करेंगे इसको दोबारा से स्टार्ट, इसको रख देते हैं अंदर इमरजेंसी के लिए, कहीं दोबारा बंद ना हो, वहाँ पेट्रोल पंप मिला नहीं मिला। अब आपको मीटर भी दिखा देते हैं, तो ट्रिप वन यहाँ से कर दिया मैंने देखो 0, और ऑडोमीटर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, रुको। ये आ गया अपना ऑडोमीटर 11,658 किलोमीटर, तो इसको आप याद रखना 11,658, और अपना ट्रिप वन तो है ही 0। 1 लीटर पेट्रोल इसमें रिफिल कर दिया है, चलाते चलाते यार कितना दूर आ गए। सब कुछ आपके लिए, एकदम रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अब यहाँ से चलेंगे वापस घर अपने दिल्ली के लिए, तो इसमें होगी अपनी सिटी राइड, ट्रैफिक राइड, हाईवे राइड, सब कुछ इंक्लूड होगा, सब कुछ होगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, और ये रिजल्ट होने वाले हैं एकदम शॉकिंग। अभी सडन पता नहीं क्या हुआ मेरा कैमरा ही बंद हो गया यार, जब मैंने पेट्रोल डाला तो कैमरे ने वर्क कर नहीं रहा, बट कोई नहीं, यू हैव ट्रस्ट ऑन मी,
एक लीटर पेट्रोल था, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, वही डाला है। नहीं डालूंगा तो मैं जाऊंगा भी नहीं, गाड़ी बंद हो गई थी भाई पूरी, चलाऊंगा कैसे। तो एक लीटर पेट्रोल ही डाला है, नथिंग एल्स। और यहाँ से अब हमें लेना है आगे से कट। तो एरोक्स की बात करें तो इसके अंदर है 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन। और इसके पेट्रोल टैंक की बात कर लेते हैं तो इसमें है 5.5 लीटर का पेट्रोल टैंक, जिसमें हमने डाला है केवल एक लीटर पेट्रोल, ठीक है गाइस। और अभी मैं हूँ सेक्टर 55। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत बढ़िया भाई साहब टॉर्क जनरेट करता है, एक स्कूटर सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। स्कूटर बार बार इसको कह रहा हूँ क्योंकि स्कूटी तो कह नहीं सकते। अब कुछ लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं गाइस की भाई तू स्कूटर बोल या स्कूटी बोल, उड़ेगी थोड़ी ना चलेगी। बट एक बात ये भी है भाई, रोटी को रोटी और पराठे को पराठे बोला जाएगा, स्वाद अलग है, टेस्ट अलग है ब्रो, टेस्ट अलग। यहाँ से चलेंगे अभी अपने, देखो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, एकदम सिटी राइड हो रही है, क्योंकि हर कोई इसे राइडिंग के पर्पस से नहीं लेगा भाई, शौक बड़ी चीज है, ऑफिस वाले बंदे भी लेते हैं। और कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे भाई ये आप तो राइडिंग के लिए रखे हैं क्या, इससे मतलब अपना डेली रूटीन के लिए भी ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो वही सब अब चेक होगा आप गाइस। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्या शॉकिंग रिजल्ट आने वाले हैं इसमें। मैं थोड़ा थक भी गया हूँ चलाता चलाता, पहले पेट्रोल ही खत्म कर लिया इसका, बट कोई नहीं, आपके लिए सब कुछ है, आप बस कमेंट्स करते रहो, अपना रिव्यू दे रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, बस उसी से मेरे को मोटिवेशन मिल रही है, मोटिवेशन। तो हमने अभी चला लिए बस 4 किलोमीटर। बाकी मैं आपको इसके एरोक्स के बारे में और बताऊं तो मैंने इससे नेपाल राइड किया है, 10,000 किलोमीटर कवर किए हैं, हिमाचल किया है, राजस्थान किया है, ऑफ रोड इतना तगड़ा गंदा वाला मुक्तिनाथ किया हुआ है। और हाईवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आगरा जाते हुए हाईवे पे भी इसके परफॉर्मेंस चेक करी है, तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 10,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई है, इंजन में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मैंने चारों सर्विस करवा ली है इसकी। और ये देखो ये आ गया टनल, पहचान है ये गुड़गांव की, साइबर सिटी की। तो अपना लास्ट पॉइंट ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है और हमने 20 किलोमीटर की राइड यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और आगे है थोड़ा ट्रैफिक, तो ट्रैफिक से भी अब फेस करते हुए जाएंगे और माइलेज की कंडीशन इससे और अच्छी पता लग जाएगी कि ट्रैफिक में क्या परफॉर्म कर रही है अपनी एरोक्स। गाइस हमने कवर कर लिए हैं अब 25 किलोमीटर। Congratulations! Come on, come on! Come on! Hello! Long time जाना पड़ेगा इधर के तो। तो भाई अपना रिजल्ट तो आ गया, आपको नजर आ रहा हो, अभी रुक के दिखाते हैं, देख ले फिर भी 39.7 हो गए हाथ तक अपने बन। मैं सोच रहा था उधर से घुमा कर आ जाता, हाँ भाई बता रहा हूँ हफ्ता लगा दो। रॉन्ग साइड लेके चलता है क्योंकि पेट्रोल पंप इधर ही है आगे।
चलो जी, हर हर महादेव अपनी फैमिली के लिए। ये अपने दिल बोलिए 39 किलोमीटर था, पेट्रोल पम्प पास नहीं था, पेट्रोल पम्प मिल गया थोड़ा सी देर भर के लगाने के बाद। इस पेट्रोल पंप से आ गया मैं सीधा घर। अब यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड। आपको मिल गया एकदम शॉकिंग यामा एरोक्स 155 का माइलेज टेस्ट। अपनी एरोक्स चली है 1 लीटर में 39 किलोमीटर अप्रोक्स। मेरा आइडिया था 35+ ही था, 35 के आसपास ही, वही निकल के आया 39+, क्योंकि मैंने इसे नेपाल राइड में निकाला था कि कितना पेट्रोल लगा अपना, उस हिसाब से आइडिया था कि 35-37 चलेगी। तो बहुत अच्छा माइलेज निकल आ गया है मेरे हिसाब से। एक परफॉर्मेंस स्कूटर से आप क्या ही एक्सेप्ट करोगे जिसके अंदर 155 सीसी का एक लिक्विड कूल इंजन है। तो उस हिसाब से इसकी माइलेज जो निकली है बहुत बढ़िया निकली है, और मैंने हर एक कंडीशन में चलाया आपके लिए। सिटी राइड भी करी, ट्रैफिक में भी चलाया, हाईवे पे भी भगाया, थोड़ा थॉटल भी दिया, मतलब हर एक कंडीशन में चलाया, तब ये माइलेज निकल के आया। तो मतलब एकदम परफेक्ट माइलेज है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यामा एरोक्स 155 नए वेरिएंट में जो आ रही है E20 फ्यूल के साथ लेनी है, नहीं लेनी है, दिस इज अप टू यू। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब आपका जो काम है वो आपको करना है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको ऐसी कंटेंट और चाहिए तो बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी नई वीडियो की। मिलते नहीं से वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल जरूर रखना। बाय।